लेट्स सी द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है और ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसे इनकंसिस्टेंट है, मतलब कैसा सोल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, कैसा सोल्यूशन आ रहा है, नो सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, चलिए पहले डेल्टा निकालते हैं। तो नो सोल्यूशन का कंडीशन होता है डेल्टा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए डेल्टा क्या आ जाएगा, डेल्टा होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, यहाँ लेमडा वन 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 लेमडा वन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा वन वन लेमडा, और ये वैल्यू इसके इक्वल होना चाहिए जीरो के, क्या होना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, इसे इम्प्लाई लेमडा इंटू आ जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, माइनस वन इंटू क्या आ जाएगा, माइनस वन इंटू लेमडा माइनस वन। ठीक है, और प्लस वन इंटू वन माइनस क्या आ जाएगा लेमडा, वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। चलिए लेमडा माइनस वन क्या करें, कॉमन लें, लेमडा इंटू क्या आ जाएगा लेमडा प्लस वन माइनस वन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस वन। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लेमडा माइनस का वन आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस का टू इक्वल हो जाएगा जीरो के, क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाई लेमडा माइनस वन, और यहाँ पे आ जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस टू लेमडा माइनस का टू जीरो के, क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लेमडा, तो दिस इम्प्लाई इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लेमडा माइनस वन होल स्क्वायर इंटू लेमडा माइनस टू किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। दिस इम्प्लाई यहाँ से लेमडा का वैल्यू वन आ जाएगा और लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। ठीक है, तो लेमडा का वैल्यू क्या आ रहा है, वन और टू आ गया। अब देखिए जो आपका इनकन्सिस्टेंट सिस्टम होता है या नो सोल्यूशन होता है उसकी कंडीशन होती है डेल्टा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए उस डेल्टा की वैल्यू के लिए। ठीक है, चलिए पहले डेल्टा वन निकालते हैं, डेल्टा वन ही निकाल लेते हैं। डेल्टा वन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हटा देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन 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 एक्स का कोफिशिएंट, हम एक्स वन का कोफिशिएंट बस नहीं लिखेंगे, इसके बाद हम सब लिख देंगे एज इट इज, एक्स वन के कोफिशिएंट की जगह ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है इसे लिख देंगे, वन लेमडा क्या है वन, और वन वन क्या है लेमडा है। ठीक है, वन लेमडा वन है और क्या है, वन वन लेमडा है। ठीक है, इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए वन इंटू क्या आ जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस वन, माइनस वन टाइम्स आ जाएगा, वन टाइम्स आ जाएगा लेमडा माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, और प्लस वन टाइम्स आ जाएगा वन माइनस का लेमडा, इसके इक्वल हो जाएगा जीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, लेमडा माइनस का वन क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। ठीक है, अभी तो हम पहले इसी को कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए इसका वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, लेमडा माइनस वन कॉमन लिया तो लेमडा प्लस वन माइनस वन माइनस वन। ठीक है, अब तो देखिए ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, लेमडा माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो डेल्टा वन के लिए क्या आ रहा है, डेल्टा वन के लिए जो है आपका डेल्टा वन के लिए ये क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर डेल्टा वन क्या आ रहा है, लेमडा इक्वल टू वन के लिए तो जीरो आ रहा है। देखिए बट फॉर क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू वन, और क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू वन, लेमडा इज इक्वल टू वन। ठीक है, डेल्टा इक्वल टू क्या आ रहा है, डेल्टा वन जीरो आ रहा है, बट फॉर लेमडा इज इक्वल टू टू, बट फॉर क्या है, लेमडा इज इक्वल टू टू, डेल्टा वन क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, डेल्टा वन क्या है, जीरो के इक्वल नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, फॉर क्या है, देखिए लेमडा इज इक्वल टू टू, ठीक है, डेल्टा क्या है, जीरो है, बट क्या है, डेल्टा वन नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री में से एटलीस्ट वन क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, फॉर लेमडा इक्वल टू टू, सिस्टम इस क्या हो जाएगा, इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा, यानी कैसा सोल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पे नो सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम कैसा हो जाएगा, इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी लेमडा की, केवल वन वैल्यू होगी, तो क्लियरली यहाँ से क्या हो जाएगा, वन इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें नंबर ऑफ वैल्यू निकालना है। क्लियरली यहाँ पे वन इज द राइट आंसर, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।